जय हिंद इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों जिनका कि सेशन आपको 2019 से 21 से है उसके रिजल्ट के संबंधित आपको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग का रिजल्ट है वो कब जारी की जाएगी बी ए बी एस सी बी कॉम तीनों फॉर्मेट का रिजल्ट हो कब जारी की जाएगी मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कैसा रहेगा और किस तरह का नंबर दिया जाएगा क्या पार्ट पार्ट सेकेंड का जो रिज़ल्ट आया है क्या उसी तरह का नंबर पार्ट फर्स्ट में भी आएगा या फिर कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर पार्ट टू के जो रिजल्ट में जो रूल लागू किए गए थे सात नंबर वाला वो भी आपको पार्ट फर्स्ट में भी लागू रहेगा सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला वो तो आप लोग वीडियो उसका तो बंद रहेगा अंत तक तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट सेकंड का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दी गई है और पार्ट सेकंड का जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छी थी बहुत ही अच्छी थी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को पास किया गया कुछ रूल जिसमें चेंज किया गया था सात नंबर वाला जो तेईस तो तारीख को मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में सात सात नंबर वाला जो क्राइटेरिया था वो बदलाव किया गया जिससे कि आपको सात हज़ार स्टूडेंट को लगभग फ़ायदा हुआ था वही रूल आपको पार्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट में भी लगेंगे पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो भी आपको कोरोना काल में ही हुआ था इसके कारण पार्ट फर्स्ट वाले एग्जाम में भी वो रूल आपको लागू किए जाएंगे उस उससे भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाला है उस रूल से बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिलने वाले हैं तो अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा तो रिज़ल्ट आपको तो तो जैसे कि पार्ट टू के एग्जाम के लगभग बीस से पच्चीस दिन के बाद पार्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो शुरू हुआ था वैसे ही उसी प्रकार पार्ट फर्स्ट पार्ट फर्स्ट का जो रिज़ल्ट है वो पार्ट टू के रिज़ल्ट जारी हो चुकी है चार पाँच दिन रिज़ल्ट जारी हो चुका है उसके लगभग पंद्रह से बीस दिन के बाद ही पार्ट फर्स्ट का रिज़ल्ट आएगा अगर संभावित इसी की बात किया जाए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट के तो पार्ट फर्स्ट के जो आपके आने वाले महीना है अभी मार्च चल रही है अप्रैल के जो आपको अप्रैल मंथ आने वाले हैं उस अप्रैल महीना के बीस के प बीस से पच्चीस तारीख के जी जी हाँ दोस्तों 20 से 25 अप्रैल के आसपास में आपके पास्ट फर्स्ट का रिजल्ट है वो जारी की गई है हालाँकि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है ये बस एक संभावित तिथि है आपको आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट को लेकर के अगर कोई भी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बगल के बेल बेलाइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और एक बात दोस्तों की अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अभी तुरंत जुड़ जाए कोई भी जानकारी आएगी तो मैं सबसे पहले वहीं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही जानकारी थी पल पल के अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बगल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत